हेलो दोस्तों, जयबे टेक्टोसा में आपका स्वागत है। स्वराज 724 FE। तो इसमें कौन सा वजह है दोस्तों हमारे वर्कशॉप पे आया है? इसमें वजह यह है दोस्तों, क्लच का प्रॉब्लम है। इसका क्लच जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है, यानी बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, दब ही नहीं रहा है और गियर भी नहीं ले रहा है ट्रैक्टर। यानी अगर इंजन स्टार्ट हो जाता है, ट्रैक्टर में गियर नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत हुमुक के मैं दबा रहा हूँ दोस्तों, ये दबी नहीं, लात से भी नहीं दब रहा है। तो इसमें कौन सा वजह है आज तक वीडियो वॉच करना। यहाँ पे जब ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, गियर भी नहीं लगता है, आवाज़ आने लगता है, चर 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 चर। जाहिर सी बात है, जब ट्रैक्टर न्यूट्रल नहीं होगा दोस्तों तो आवाज़ आएगा गियर में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इतना ज़्यादा टाइट है। तो इसमें कौन सा वजह हो सकता है लास्ट तक वीडियो देखना, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा हार्ड है और इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है, थोड़ी सी प्रॉब्लम कहीं हुआ है दोस्तों। तो इसे हम दो पार्ट कर लेते हैं अभी जल्दी से, इसको नट जितना है खोल लेते हैं, आपको हम दिखाते हैं मेन जड़ कि इसमें कौन सी वजह से दोस्तों इतना टाइट चल रहा है, यानी पैंडल दब ही नहीं रहा दोस्तों, बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है और गियर भी नहीं ले रहा है ट्रैक्टर। तो अभी चलते हैं जल्दी से खोल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दोस्तों ट्रैक्टर को दो पार्ट कर लिया था, दो पार्ट किया तो हमने इसका वजह मिल चुका है दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए, ये वाला तो पैंडल थोड़ा सा फ्री था, भी आपको हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये वाला फ्री है, देख सकते हैं दोस्तों। तो इसका मेन कारण दोस्तों, इसका रिलीज प्लेट बैरिंग जो है इसका जाम हो चुका है, और इसका असेंबली यानी पूरा इसमें जाम हो चुका है। यहाँ पे देखिए, हाथ से भी हिलाया नहीं, हिल रहा है, इतना ज़्यादा जाम हो चुका है। ये वाला तो फ्री है, जो साफ्ट होता है क्लच, यानी क्लच साफ्ट जो होता है फ्री है। और यहाँ पे भी हम इसकी स्प्रिंग इसका निकाल लेंगे, जो स्प्रिंग लगता है। निकालने के बाद में दोस्तों, मेन वजह यही है दोस्तों कि इसी पे जाम, यानी जंग की वजह से जाम हो चुका है, सूखा है एकदम, इसीलिए ज़्यादा जाम होने के कारण हमारा क्लच पैंडल जो है नहीं चल रहा था, और हमारा फिंगर वगैरह सब ठीक है, तो इसी के कारण में वजह हमको मिल गया दोस्तों। तो अभी इसको भी हम निकालेंगे और इसको साफ़ करेंगे, इसका बैरिंग नया डालेंगे। तो इतना ही कारण था दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। तो जल्दी से भी निकालते हैं इसको हम बाहर। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हमने डीजल भी डाल दिया है और यहाँ बहुत ज़्यादा ज़्यादा जाम हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, हथौड़ी से भी चलाने नहीं कर रहा है, उसके बाहर भी निकालेंगे हम। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा सख्त हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने निकाला था और नया बैरिंग लगा दिया, और यहाँ पे फ्री भी हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसका बैरिंग पुराना वाला, और ये डिलक्स कंपनी का हमने बैरिंग लगाया है, 30, 64, 45 का नंबर हो जाएगा दोस्तों, डिलक्स कंपनी का हमने बैरिंग लगाया। तो हमारा प्रॉब्लम यहीं से कर रहा था दोस्तों, अब क्लच हमारा एकदम मक्खन की तरह काम करेगा। यहाँ पे आप देखना दोस्तों, भी लगा कर हम यहाँ पे देखिए, एकदम ढील हो चुका, यही पहले नहीं चल रहा था, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइट था क्लच हमारा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी हम आपको ट्रैक्टर स्टार्ट करके भी दिखाएंगे। तो जल्दी से इसको हम दो पार्ट कर लेते हैं, यानी जोड़ देते हैं इसको, हम जोड़ के आपको हम ट्रैक्टर स्टार्ट करके दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए, क्लच एकदम मुलायम हो चुका है हमारा। तो यहाँ पे ट्रैक्टर स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और इसका पहले गियर लगा देते तो ट्रैक्टर रुकता नहीं था, लग जाता था गियर, अब अपने मन मुताबिक नहीं चल रहा है, किसान की मर्ज़ी से चलेगा दोस्तों। तो वजह इतनी छोटी थी दोस्तों, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है किसी के घर का, जंग लगने के कारण से दोस्तों ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए, एकदम बढ़िया गियर ट्रैक्टर ले रहा है, दबाने पर यहाँ पर क्लच भी मुलायम दब रहा है एकदम। यहाँ पे देखिए, पहले हाथ से भी दबाने, लास्ट से भी नहीं दबाने दब रहा था, तो भी हमारा ठीक हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे गियर देखिए, लग जा रहा है आसानी से, तो लग गया यहाँ पे गियर दोस्तों। दोस्तों अगर आशा करता हूँ हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक लिए धन्यवाद।